शताब्दी शताब्दी द किचर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत बहुत हैप्पी हो और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। तो आज शताब्दी द किचन में बनने वाला है आड़ फिश की एक मजेदार रेसिपी। तो आड़ फिश देखिए इस तरह की होती है। आज मैं दो लोगों के लिए रेसिपी बनाऊंगी कि दो लोगों के लिए सफिशियंट हो, तो मैंने इस मछली की चार पीसेस ले ली है। इस मछली को मैंने सबसे पहले नमक डाल के अच्छे से पानी में धो लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। जैसे आप और फिश में भी डालते हैं वैसे इस फिश में भी इसी तरह से मैरिनेट किया जाता है। अब इसको इसी तरह से चारों तरफ लगा दूंगी। इस तरह से लगाने के बाद इसको मैं रख दूंगी, तब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए और मैं अब मछलियों को भूनूंगी। तो यहाँ मैं तेल डाल रही हूँ। फिश की रेसिपी हमेशा ही मैं सरसों के तेल से ही बनाया करती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो ये वाली जो मछली है आड़ मछली, इसको तेल में डालते ही बहुत ज्यादा छींटे आने लगती है। तो थोड़ा सा ढककर इस तरह से रख के फिर इसमें मछलियों को डालना पड़ता है। तो इस तरह से मैं मछलियों को इसमें फ्राई कर लूंगी। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको इन मछलियों को पलट दूंगी। देखिए मछलियां जो है वो अच्छे से भुन गई है, तो मैं अब एक एक करके निकाल लूंगी प्लेट में। मैंने इनको प्लेट में निकाल के रख लिया है। देखिए ये मैंने तीन आलू लिए हैं और उसको हाफ हाफ काट लिया है। इसी साइज का आप लोग भी काटिएगा। अब उसी तेल में इन आलूओं को फ्राई कर लूंगी। इसको भी मैं थोड़ा ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करूंगी। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इनको प्लेट में रख लूंगी उठाकर। इसी कढ़ाई में गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दे रही हूं और दो तेज पत्ता डालती हूं। थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं जिसमें दो तीन दालचीनी, दो तीन लौंग और दो तीन इलायची है। इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। यहां मैंने दो बड़े प्याज काट के रखे हैं, उसको इसमें डाल देती हूँ। इसको एकदम रेडिश होने तक भून लूंगी। इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून मैं नमक डाल दे रही हूँ ताकि प्याज जो है वो भुन भी जाए और अच्छे से ये नरम भी पड़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्याज जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। मैंने यहाँ एक छोटा सा प्याज, 8-10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और दो हरी मिर्च को पीस लिया था, वो मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। माप जो है वो 2 चम्मच के करीब होना चाहिए। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के रखे हैं, वो इसमें मैं डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सीज जाए जल्दी से। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगी
यहाँ मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ हल्दी का यूज करती हूँ। अब इसको अच्छे से इस तरह से पकाना है, धीरे धीरे ये पकता जाएगा और अच्छे से टमाटर भी इसमें स्मैश होता जाएगा। इसको फिर से दोबारा मैं ढक देती हूँ। अब मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ, देखिए टमाटर अच्छे से स्मैश हो जा रहे हैं। इस तरह से बार बार ढक ढक के मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखिए यहाँ जो मैं आलू मैंने फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देती हूँ। इसको इसके साथ अच्छे से पका लेना है। अब फिर से इसको मैं 5 से 7 मिनट तक ढक के रखूंगी। 5-7 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। ये तेल एकदम ऊपर आ चुका है, इसका मतलब जो है ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस मसाले में मैं करीबन 1 कप पानी डाल दूंगी क्योंकि अभी आलू जो है वो सीजने बाकी हैं, वो अच्छे से आलू जो है वो नरम पड़ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पानी डाला है। और इसको फिर से दोबारा मैं करीबन 7-8 मिनट के लिए ढककर रखूंगी। ये करीबन 8 मिनट हो चुका है तो अब ढक्कन खोल के देख लेती हूँ मैं। अब देखिए बिल्कुल ये जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही बना है। इसमें मैं मछलियों को डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ही कम कर लिया है। 2 हरी मिर्च को बीच से मैंने काट लिया है और इनको मैं यहाँ रख लूंगी और 2 मिनट के लिए ऐसे ढक दूंगी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और ये ढके हुए इसी तरह से 10 मिनट तक ऐसे ही रखूंगी। उसके बाद मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। आड़ फिश की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अभी बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ देखिए और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर उसी के बगल में आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी।